सारंगढ़ जिले के सरसीमा पुलिस ने महाथक शिवा साहू के पिता और उसके खास गुर्गे मिथिलेश साहू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने शिवा साहू, मिथिलेश साहू सहित उसके पिता के नाम पर रजिस्ट्रेशन लगभग 5 करोड़ की लग्जरी कार और बाइक को भी जब्त किया है। आरोपी शिवा साहू पर 2 करोड़ के ठगी का आरोप है। सख्ती निवासी सौरभ अग्रवाल ने 9 मार्च को सरसीमा थाने पहुंचकर आरोपी शिवा साहू और उसके अन्य साथियों के ऊपर 8 महीने में पैसा डबल करने का झांसा देकर 2 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया था, जिस पर सरसीमा पुलिस ने शिवा साहू, मिथिलेश साहू, वृंदा साहू, सूर्यकांत साहू, झगेश साहू के खिलाफ धारा 420, 409, 406, 34 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी कर रही थी। एफआईआर के 1-2 दिन बाद ही शिवा साहू के साथी वृंदा साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शिवा साहू सहित अन्य आरोपी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ पा रहे थे। फरार आरोपी शिवा साहू अपने दोस्तों के साथ 25 मार्च को होली मनाने अपने गांव आया था, तभी गांव के ही ब्रज साहू से शिवा की तूतू मैमै हो गई। शिवा ने ब्रज साहू को बोला कि तुम मेरे खिलाफ पुलिस और पत्रकार के पास मुखबिरी कर रहे हो, और इतना बोलते ही अपने जेब से पिस्तौल निकालकर ब्रज साहू के कनपटी में सटा दिया। मामला जैसे तैसे करके शांत हुआ, जिसके बाद ब्रज ने पुलिस को सूचना दे दी कि शिवा गांव में ही है और होली खेल रहा है। इतना सुन सरसीमा पुलिस के कान खड़े हो गए। सरसीमा थाना प्रभारी ने तत्काल मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दी और शिवा के गांव रायकोना में रेड मारने के लिए पुलिस बल की मांग की और शिवा साहू के गांव में रेड कर दिया। गांव में पुलिस आने की खबर जैसे ही शिवा को लगी, शिवा अपने दोस्तों के साथ खेत के रास्ते भागने लगा। पुलिस ने भी शिवा और उसके दोस्तों को खेतों में दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश की, मगर शिवा भागने में सफल हो गया। वहीं शिवा का खास आदमी मिथिलेश साहू और शिवा के पिता टीकाराम को पुलिस पकड़ने में सफल रही। गाड़ियों की कीमत लगभग 5 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है। पुलिस ने शिवा साहू के कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिसमें लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए जमा है। वहीं जानकारी ये भी मिल रही है कि शिवा साहू के पिता और उसकी गर्लफ्रेंड के नाम पर लगभग 100 एकड़ जमीन रजिस्ट्री है। बिलासपुर में आलिशान बंगला भी है। कुल मिलाकर शिवा साहू की चल अचल संपत्ति लगभग कई करोड़ों में बताई जाती है। जानकारी ये भी बताते हैं कि ये ठगी का पूरा मामला लगभग 3400 करोड़ का बताया जा रहा है। फिलहाल सरसीमा पुलिस मुख्य आरोपी शिवा साहू को जल्द सलाखों के पीछे भेजने की बात कर रही है। सारंगढ़ से दिनेश जोल्हे की रिपोर्ट। चट्टी का रहने वाला है, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि शिवा साहू नाम का है, रायकुना का रहने वाला, वो अपने दोस्तों के साथ एक कंपनी बनाया हुआ है। उसका कहना है कि आप मान लो 1 लाख जमा करते हैं तो उसके एवज में हम पर मंथ 30,000 आपको एक्स्ट्रा देंगे, और 8 माह अगर पूर्ण हो जाता है तो हम उसका रकम दोगुना करेंगे। तो इसके झांसे में आकर सौरभ अग्रवाल अपने साथियों से भी संपर्क किया और करीबन 1.5-2 करोड़ रुपये इन्होंने शिवा साहू को मिथिलेश साहू के माध्यम से इन्होंने दे दिया। जब कुछ महीने बाद जब इसको रकम वापस नहीं किया गया, परसेंट जब इसको मिलने नहीं लगा, तब इसको लगा सौरभ की मैं ठगी शिकार हो गया हूँ। तब उन्होंने थाना कर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया, उस बेस पे हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया, और विवेचना के दौरान हमके द्वारा ये पता चला कि सौरभ अग्रवाल ही नहीं, रायकुना गाँव के आसपास के लोग इसके पूरे शिकार हुए हैं, और इवन छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे लोग अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो बाकी इसमें हमने लास्ट टाइम में हमको मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ कुछ इससे संबंधित वो व्यक्ति आए हुए हैं, तो हमने रायकुना गए थे। रायकुना जाने के बाद हमको पता चले कि इसमें उसका पिताजी जो है शिवा साहू का, वो भी केस में इन्वॉल्व है। हमने मिथिलेश साहू जो उसका राइट हैंड है शिवा साहू को, उसको हमने पकड़ा। इनके कब्जे से करीबन हमने महंगी महंगी जो गाड़ियाँ हैं जो इनके नाम से खरीदा गया है, मर्सिडीज बेंज है, BMW कार है, बड़ी बड़ी ट्रैक्टरें हैं और XUV 700, उनको सबको हमने सीज किया है। सर क्या है पूरा?